चार खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ हैं कोलिन शाह इस वक्त जुड़ रहे हैं चेयरमैन हैं जीजेईपीसी के हमारे साथ पृथ्वीराज कोठारी हैं प्रेसिडेंट हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट के और अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और चूंकि कल एक बड़ा दिन है बुलियन मार्केट के लिए क्योंकि देश का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का लॉन्च हो रहा है और पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे तो ये एक्सचेंज किस तरह से काम करेगा इसका क्या फ़ायदा होगा ये हम आपको बताने जा रहे हैं तो कोलिन जी पहले तो आप ये बताइए सर कि ये जो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन का एक्सचेंज का लॉन्च हो रहा है इसके लॉन्च होने के बाद क्या फर्क पड़ेगा बुलियन के ट्रेड में क्या इम्पैक्ट आएगा क्या असर आएगा देखो इतने साल जब से अपना ये गोल्ड कंट्रोल एक्ट गया उसके जो बाद वाला समय है इतने सालों से तो इंडिया में इंपोर्ट खाली नॉमिनेटेड एजेंसीज के द्वारा हो सकता था ठीक तो ये कैनलाइज्ड एजेंसीज थी जिसके द्वारा किसी को भी सोना इंडिया में लेना था तो उनके थ्रू ही ले सकते थे अभी ये एक्सचेंज से ये बाजार खुल गया है तो आज कोई भी जो ऑथराइज्ड रिटेलर है जो ये मेंबर हो सकता है एक्सचेंज का जिसका नेटवर्थ 25 करोड़ है और 3 साल उसने ये कमोडिटी में 90% बिजनेस किया है तो उनको डायरेक्ट इम्पोर्ट मिल सकता है तो उससे एक तो है ट्रांसपेरेंसी दूसरा है उनको रेट का थोड़ा फायदा होगा और तीसरा है कि सोर्सिंग जो भी हिंदुस्तान में आएगा सोने का वो अभी एक एथिकल सोर्सिंग के द्वारा आएगा तो रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग एथिकल सोर्सिंग जो भी आप बोलना चाहो गोल्ड का जो जो ओरिजिन है उस पे भी एक यू नो वील हैव अ कंट्रोल ऑन दैट सो बहुत सारे फायदे हैं एक तो है कि मार्केट आज खुल गया जो पहले नहीं था अच्छा दूसरा और बड़ा एक जो इंडिया के लिए बहुत एक आई वुड से गर्व की बात है कि दो इंडिया आज हिंदुस्तान अपना सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है सोने का दुनिया भर में चाइना के बाद आज सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है बट जो पूरे सोने का ट्रेडिंग हो रहा था वो लंदन बुलियन एक्सचेंज पे हो रहा था शंघाई एक्सचेंज रिसेंटली खुला बट इंडिया में नहीं था तो आज हिंदुस्तान में ये एक्सचेंज के द्वारा गोल्ड का और भी जो ट्रेडिंग हो सकता है दुनिया भर में हम लोग आज बड़ा शेयर हो सकते हैं बिकॉज सेकंड लार्जेस्ट मार्केट भी है और ट्रेडिंग में हमारा एक बड़ा हिस्सा हो सकता है दुनिया भर में तो बहुत तरह से ये आई थिंक विजनरी प्राइम मिनिस्टर की यू नो जो गिफ्ट है गिफ्ट सिटी स्पेशली टू कंट्री तो उससे एटलीस्ट हमारी इंडस्ट्री को ये बहुत सारे फायदे हो गए हमें क्या होता है जैसे बैंकों के जरिए जब इम्पोर्ट होता है तो क्या जो ग्लोबल मार्केट का प्राइस है वो किस बेंचमार्क पे तय होता है कि किस भाव पर आप इम्पोर्ट कर रहे हैं और अब जो होगा इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के जरिए उसमें प्राइस को क्या बेंचमार्क प्राइस माना जाएगा इम्पोर्ट का नहीं देखो अभी आज जो प्राइस माना जाता है वो लंदन AM के PM फिक्स बराबर है एक सवेरे का प्राइस आता है एक दोपहर का प्राइस आता है ट्रेडिंग के हिसाब से तो आज जो भी प्राइस है वो लंदन बुलियन एक्सचेंज के हिसाब से ही AM PM फिक्स होता है अब जब गिफ्ट सिटी में ट्रेडिंग बढ़ेगा और जैसे जैसे इसका इम्पोर्टेंस बढ़ेगा इन टनेज टर्म्स ओके फिर मेरे को लगता है कि लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में नहीं बट लॉन्ग टर्म में प्राइस फिक्सिंग भी इंडिया से ही होगा अभी किसका होगा अभी शॉर्ट टर्म में कहाँ से होगा प्राइस फिक्सिंग लंदन से ही होगा लंदन से ही होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा उसमें प्राइस फिक्सिंग में जो है वो अभी चेंज नहीं होगा इमीडिएट चेंज शायद नहीं आएगा हाँ ठीक है ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और एथिकल तरीके से इम्पोर्ट होगा तो क्या अभी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी अभी जो हम इम्पोर्ट करते थे क्या उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी थी तो आज अगर आप कोई ट्रेडर से ले रहे हो दूसरे पोर्ट से फॉर एग्जांपल दुबई से अगर इम्पोर्ट आ रहा है स्विट्जरलैंड से आ रहा है लंदन से आ रहा है तो वो ट्रेडर कौन सी माइन से ले रहा है कौन सी रिफाइनरी से ले रहा है उस पर कभी कभी ओके इन मेनी ट्रांजेक्शन आपको नहीं मालूम है कि वो कहाँ से ले रहा है अभी जब एक्सचेंज पे ज्वेलर खुद जो ऑथराइज ज्वेलर है वो आज डायरेक्टली कोई रिफाइनरी से ले रहा है तो उसको एग्जैक्टली मालूम है कि ये माल कहाँ से आ रहा है किसने रिफाइन किया और LBMS सर्टिफाइड है कि यू नो दुबई गुड डिलीवरी है वो उसको परफेक्टली मालूम रहेगा जो पहले नहीं था तो इससे एक मीन्स 100% बहुत फर्क आ जाएगा एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस और इन टर्म्स ऑफ इवन सोर्सिंग के ये एक्चुअल रूट कहाँ से आ रहा है अच्छा। जो आज बहुत सारे कस्टमर्स को जानने का है कि उनका यू नो गोल्ड है रिसाइकल्ड गोल्ड है आज हीरे भी है तो कहाँ से आते हैं वो आज आज कंज्यूमर के लिए बहुत एक
महत्व की चीज हो गई है। ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली माइंड से आया है, ये कहाँ से आ रहा है? राइट, तो ये ट्रांसपेरेंसी 100% आ जाएगा, जो हिंदुस्तान के लिए एक फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज ही है। अच्छा, एक बात कोठारी जी, अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया कोठारी जी आपका, कोलिन शाह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को डिटेल में समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।